नमस्कार दोस्तों। करेला वो भी नीम चढ़ा। करेले के बारे में कहावतें तो बहुत सारी हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसकी सब्ज़ी क्या आपने चने के दाल के साथ खाई है कभी? आज ये देखिए, मैं चने के दाल के साथ करेले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। करेले के टुकड़ों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये देखिए, ये प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची और एक आम मैंने लिया है, और ये सारे सूखे मसाले मैंने लिए हैं, राई, सौंफ, जीरा, मेथी, सरसों और धनिया, हल्दी, मिर्चा, ये पाउडर के रूप में मैंने लिया हुआ है फ्रेंड्स। और अब इसे बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें मैं लगाऊंगी अब फ़ोरन। ये मैंने फ़ोरन डाल दिया है, इसमें मेथी, जीरा, राई और सौंफ ये मैंने लिया हुआ है। क्या है, भरवा मसाले जो बनते हैं, भरवा करेले के मसाले, वो अलग होते हैं, और ये हमें सिर्फ चने की दाल के साथ ये सब्ज़ी हमें बनानी है। और देखिए, ये सारे मसाले जो थे, यानी प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा, और ये जो मैंने एक आम काट के ले लिया है, क्योंकि करेले की सब्ज़ी में खटाई की ज़रूरत रहती है, तो ये मैंने आम इसको ले लिए थे, और इसे मैंने कद्दूकस से, सारी सामग्री को मैंने कद्दूकस से पीस लिया है फ्रेंड्स। आज मैंने काट के नहीं बनाना ये सब्ज़ी, ये सब्ज़ी के लिए मैंने ये सारे मसाले ऐसे ही कद्दूकस कर लिए हैं। और अब मैं इसमें, इसे हल्का सा भूनने के बाद, इसमें मैं डालूंगी चना की दाल। इसे चने की दाल भी डालना है, और इसमें ये देखिए, ये मसाले मैंने डाल दिए हैं, ताकि ये प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च के साथ अच्छे से भून जाए। मसाला भूनना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सब्ज़ी के साथ साथ मसाला भून जाता है तो उसका स्वाद भी अलग निखर के आता है, क्योंकि अलग से अगर हम भूनते हैं तो उसमें सब्ज़ी के मसाले जल जाते हैं, और उसके जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। ये फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी के लगभग चना दाल ले ली थी, और इसे मैंने फुला दिया था पानी में। अब ये फूल चुकी है फ्रेंड्स, अब इसे मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, चने की दाल मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि आपने करेले की सब्ज़ी तो बहुत बार खाई होगी फ्रेंड्स, लेकिन इस तरीके से भी बनाकर देखें, आप बहुत पसंद करेंगे। इसकी क्रंची बाइट चने की दाल की, और करेले की हल्की सी कड़वाहट, आम की खटास, बहुत अच्छा टेस्ट आपको देने वाली है फ्रेंड्स। ये देखिए, चने की दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। मसाले हमारे सारे इसमें ही भूनेंगे, साथ ही साथ चने की दाल के साथ मसाले भुन जाएंगे, और चने की दाल। उसके बाद ये है करेले की बारी। करेले के मैंने थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स काट लिए थे, टुकड़े काट लिए थे फ्रेंड्स, क्यूब्स नहीं कहेंगे इसे, थोड़े लंबे आकार में मैंने इसे काट लिया था। और ये फ्रेंड्स देखिए, अब इसे मैं चला रही हूँ। बहुत ही कम मसाले में बनने वाली ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये मैंने स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है, ये लगभग 1/2 चम्मच नमक है फ्रेंड्स। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है अब, और अब फिर मैं इसे चलाऊंगी। आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी, आप ज़रूर इसे पसंद करें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करेले बहुत ही कम पसंद किए जाते हैं, लेकिन करेले के जो गुण हैं ना, वो भी हमें पता है कि हम क्या क्या वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदा करते हैं फ्रेंड्स, डायबिटीज़ वालों के लिए तो ख़ास तौर पर। और अब ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अब इसमें देखिए, मैंने करीब 3 कटोरी मुझे पानी इसमें ऐड करना है, और मैं ये ढक्कन लगा करके छोड़ दूँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये अपने धीमी धीमी आँच पर ये सब्ज़ी पकेगी। जब आप सब्ज़ी खाएंगे तो इसका जो आपको दाल, चने की दाल का जो क्रंची बाइट मिलेगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने फिर से इसे कवर कर दिया, और ये सब्ज़ी बनकर तैयार।